हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, समरी ट्रायल है ना। चलिए उसके बाद आता है प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, आसान ही टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक देर में हो जाएगा। प्ली बार्गेनिंग क्या आया भाई इसमें, चैप्टर 21 ए। ठीक है, सेक्शन 265 ए से 265 एल तक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक, जिसकी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 की इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, 2006। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आए, वैसे आता खूब है ये, क्या आता है कि ये प्ली बार्गेनिंग कब जोड़ा गया, तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, लेकिन कई बार इन्फोर्समेंट डेट लिख के आती है, अगर 2005 ऑप्शन में नहीं है, 2006 है, तो फिर 2006 मार दीजिएगा। ठीक, चलिए कहां से कहा था कि 265 ए से 265 एल तक प्ली बार्गेनिंग होता क्या है। अरे प्ली बार्गेनिंग का इसको देखो, प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि प्ली का मतलब है कि वो प्लीड गिल्टी कर रहा है, एक्यूज जो है वो प्लीड गिल्टी कर रहा है, लेकिन वो बार्गेन भी करेगा किस चीज को लेके, पनिशमेंट को लेके, समझे कि नहीं। वो ये कहता है प्ली बार्गेनिंग में ये होता है कि कुछ केसेस में प्ली बार्गेनिंग हो सकती है, कौन से केसेस में हो सकती है, ये भी 265 ए में दिया हुआ है। ठीक, प्ली बार्गेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया हाँ मैं प्लीड एक्यूज हूं, मैं प्लीड गिल्टी कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर कि भैया पनिशमेंट को लेकर बार्गेनिंग की जाएगी, कि अगर मान लो मैंने थेफ्ट किया, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे ऊपर केस चालू हुआ, ठीक, अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ऐसा है मैं प्लीड गिल्टी कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे पनिशमेंट 3 साल की जगह 1 साल दी जाए, तो अगर 3 साल ही पनिशमेंट देनी है फिर तो चलाओ ट्रायल, जब चलेगा 1-2 साल में जब आएगा तब का तब देखा जाएगा, है कि नहीं। तो बार्गेनिंग पावर इसमें उसके पास आ जाती है, प्लीड गिल्टी के साथ साथ वो बार्गेन भी करेगा, बस इतना बात करता है, प्लीड ये प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, चलिए देखते हैं, समझ में आया कि नहीं। बहुत छोटी सी बात है कि भैया एक्यूज जो है प्लीड गिल्टी कर रहा है इस शर्त पे कि अगर पनिशमेंट को लेके वो बार्गेनिंग कर सकता है तो। ठीक, तो इसमें है सबसे पहले ये बोलता है सेक्शन 265 ए, क्या बोलता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किस केसेस में ये अप्लाई होगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्ली बार्गेनिंग किस केस में ये अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले ये बताता है 265 ए, क्या बोलता है ये, ऑल द केसेस इंस्टीट्यूटेड बाई पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट, चाहे कंप्लेंट केस हो चाहे पुलिस रिपोर्ट केस हो, ठीक है, सब में ये अप्लाई हो सकता है, एक्सेप्ट इसके साथ साथ इसमें ये भी दिए हुए हैं कि 265 ए में ही सब कुछ ये दिया हुआ है, क्या क्या, कि सारे केसेस में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू आया हो चाहे कंप्लेंट के थ्रू आया हो, लेकिन एक्सेप्ट कौन से केसेस छोड़ के, पहला नॉट पनिशेबल विद ऑफेंसेस, वो सारे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और नॉट मोर देन 7 इयर्स, 7 इयर्स। ठीक, समझ आएगी बात, सबसे पहली बात वो सारे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से पनिशमेंट ना हो, 7 साल से ज्यादा ना हो, उन सबका ट्रायल हो सकता है। अगर इससे अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल ज्यादा है, उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकता। ठीक, ऑफेंसेस रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कहने का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ठीक है, और किसमें नहीं अप्लाई होगा, सोशियो, यहीं पर लिख देते हैं,
सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ठीक, अब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जिस ऑफेंसेस को सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस बता दे। ठीक है, तीसरा वो सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 years, 14 years, क्या है अब देखिए चाइल्ड की जो है एज कहां पे कितनी होगी, इसमें अभी तक सीआरपीसी में तीन जगह तीन अलग अलग दी हुई है। ठीक है, जब आप सेक्शन 27 देखेंगे सीआरपीसी का, जिसमें जो है अगर ट्रायल जो होगा वो चाइल्ड का, उसमें जो चाइल्ड की एज है वो 16 साल है। ठीक, उसके बाद अब जब आप सेक्शन 61 देखेंगे कि किस किस को पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास बुला सकता है, 61 है कि 60 है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मतलब 160 कहाँ गया, हाँ सिक्सटी है, 160। ठीक है, 160 जब पुलिस ऑफिसर किस किस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकता है, तो उसमें जो चाइल्ड है उसकी एज जो है 15 साल है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन आपने पढ़ लिया कौन सा ये 165 ए, जिसमें जो है चाइल्ड की एज क्या बताई गई है 14 साल। ठीक है, तो अलग अलग सब जगह सीआरपीसी में अलग अलग हिसाब से दी हुई है, और ये पूछी भी जाती है प्री में। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, समझिए फिर से 265 ये बोलता है कि प्ली बार्गेनिंग कौन कौन से केस में अप्लाई होगा और कौन कौन से केस में नहीं होगा। तो किस में अप्लाई होगा, कोई भी केस हो, कैसे भी इंस्टीट्यूट हुआ, चाहे पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, कहने मतलब कोई भी नहीं, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट के थ्रू जो केस आया है उस पर ही अप्लाई होगा। ठीक, पहली बात ये हो गई। अब कौन से केसेस में नहीं अप्लाई होगा, जिसमें पनिशमेंट जो है डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या 7 साल से ज्यादा है, 7 ही साल है। हाँ ठीक, और दूसरे वो ऑफेंसेस जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हो, जैसे जो कि अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कौन से ऑफेंस अफेक्ट करेंगे ये कौन बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। जैसे कि मान लो एस सी एस टी एक्ट है, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है, और कौन से हैं, यही सारे ऑफेंसेस जो ये वाले एक्ट के अंडर आते हैं ना, उसको जो है उनमें प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, अगर किसी ने ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन किया है, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन किया है या ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड किया है जिसकी एज 14 साल से कम है, तो उसमें भी प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा। इतनी समझ में आ गई, बस 265 ए हो गया, पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 265 बी ये क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, एप्लीकेशन कहां देनी है और कौन देगा। ठीक, सबसे पहले जहां पे ट्रायल चल रहा है, इन द कोर्ट कौन से कहां पे एप्लीकेशन देगा, जहां पे उस कोर्ट में जहां पे ट्रायल चल रहा है। ठीक, उसके अलावा अब क्या करना है भाई साहब, कौन देगा, खुद ही एक्यूज्ड। ठीक, खुद ही एक्यूज्ड देगा, वो क्या लिखेगा, वो ब्रीफ ऑफ द केस कि क्या है मेरा केस, ठीक है, किस चीज के लिए मेरा केस चल रहा है, कौन कौन से मेरा क्या क्या है, क्या मुझे कौन सा किस चीज के लिए मेरे ऊपर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, ब्रीफ ऑफ द केस लिखेगा और साथ साथ एफिडेविट देगा, किस चीज का, दो चीजों का एफिडेविट भी देगा, जिसमें दो चीजें मेंशन करनी होगी उसे, सबसे पहला कि ये मैंने वॉलेंट्री अप्लाई किया है, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन मैंने वॉलेंट्रीली दी है, दूसरी बात कि मैं प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ हूं ऐसे ही किसी ऑफेंस में, कि मेरा प्रीवियसली कन्विक्शन नहीं है। ठीक है,
नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड, नॉट भी लगा दो, इतना समझ में आई। चलिए क्या बोलता है 265 बी की एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, एप्लीकेशन कहां देनी है, उसके कोर्ट को देनी है जहां पे ट्रायल चल रहा है। ठीक, दूसरी बात कौन देगा, कौन देगा भाई, एक्यूज्ड ही तो देगा। जब वो एप्लीकेशन देगा प्ली बार्गेनिंग का, तो आप उस एप्लीकेशन में अपना ब्रीफ ऑफ द केस लिखेगा, ठीक है, कि किस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल चल रहा है। ओके, उसके बाद में उसी एप्लीकेशन में एक एफिडेविट भी लगाएगा, जिस एफिडेविट में दो बातें मेंशन होनी चाहिए, सबसे पहली बात कि उसने वॉलेंट्री एप्लीकेशन दी है, दूसरी बात कि वो प्रीवियसली कन्विक्शन उसे कि ऐसे ही किसी ऑफेंस में, मतलब सेम काइंड के ऑफेंस में उसे वो प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ है। समझ आ गई बात की नहीं? अब जैसे ही एप्लीकेशन आ जाएगी ना, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, उसके बाद कोर्ट तीन चार काम करेगी। पहले उसको मिटाते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, आसान ही टॉपिक है। कमेंट अमेंट करते रहा करिए, बताते रहा करिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हुआ करे तो वो भी बता दिया करिए। साठ % लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक। चलिए 265 बी देख रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने वो सब देख लिया था कि क्या क्या हो रहा है। ऊपर लिखता हूँ यार, फिर से लिखना पड़ रहा, एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, ठीक है, देख लिया था हम लोगों ने, उसमें दो बातें देख ली थी कि भाई एफिडेविट तक हो गया था। अब एफिडेविट के बाद क्या होगा, अब उसके बाद कोर्ट ये देखेगी, क्या देखेगी, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, जैसे ही कोर्ट को एप्लीकेशन मिलेगी उसके बाद वो नोटिस भेजेंगे इसको, या तो कंप्लेनेंट को, ठीक, अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट को, और कंप्लेंट केस नहीं है तो विक्टिम को, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेनेंट को नोटिस भेजेंगे कि भैया जो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है बताओ क्या है, और अगर पुलिस रिपोर्ट वाला केस है तो विक्टिम को, है कि नहीं। उसके बाद भाई साहब कोर्ट जो है सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो इसने एप्लीकेशन दी है एक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग की, ये वॉलेंट्री है कि नहीं है, ठीक है। कैसे सेटिस्फाई करेगा, एक्यूज का जो है एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, एक्यूज का एग्जामिनेशन करेगा इन कैमरा और विदाउट एंड इन अब्सेंस ऑफ अदर पर्सन, इन अब्सेंस ऑफ अदर पर्सन, ये एक बार आया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कि जो इसका एग्जामिनेशन होता है क्या, कि एक्यूज का प्ली बार्गेनिंग के टाइम में जब कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करती है कि वॉलेंट्री है कि नहीं है, जब इसका एग्जामिनेशन होता है तो कैसे होता है, अदर पार्टीज के सामने होता है कि उनके अब्सेंस में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इसका एग्जामिनेशन होगा पहले, ठीक है, कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जब इसका एग्जामिनेशन करेगी कि भैया ये वॉलेंट्री इसने अप्लाई किया है कि नहीं, तो उसमें कोई और नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ यही रहेगा कौन एक्यूज, ठीक, ओके। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि ठीक है कि अगर जो एप्लीकेशन दी गई, इन केस एप्लीकेशन, इन वॉलेंट्री एप्लीकेशन, ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये वॉलेंट्री एप्लीकेशन है तो क्या करेगी, तो कोर्ट और सबको इन्फॉर्म करेगी इसको। देखो, अगर कंप्लेंट केस हुआ, कंप्लेंट केस में विक्टिम को और एक्यूज को, दो लोग को इन्फॉर्म करेगी। अभी सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो अभी, ठीक है। दूसरा, अगर पुलिस रिपोर्ट हुआ तो देखता हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक, अभी एक बार और आएगा ये, ठीक, फिर से समझा आप लोगों ने,
देखें इसमें क्या है। ठीक है, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि वॉलेंटरीली एप्लीकेशन आई है, ठीक है, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, उसको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने वालों पता चला कि वॉलेंटरी एप्लीकेशन है, तो वो इन्फॉर्म करेंगे किसको, कंप्लेंट केस है तो विक्टिम और एक्यूज को, और पुलिस रिपोर्ट है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि भैया आप लोग आए और आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बताएं, और ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप इसको म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन ऑफ द केस, ये ध्यान रखिएगा क्या है भैया, किस लिए कोर्ट आपको बुला रही है कि देखो ये तो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, ठीक, अब वो विक्टिम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर पीआर केस है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट से आया है, तो कोर्ट इनको बुलाएंगे और इनसे कहेंगे देखो अगर हो सकता है कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, अगर हो सकता है, म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन क्या है कि भैया आप लोग आपस में मिलके, ठीक है, आप लोग दोनों पार्टी आपस में मिलके इसको म्यूचुअली अगर मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिस पे दोनों लोग एग्री हो जाए, मान लो जैसे मैंने कहा ना कि वो इसमें बार्गेनिंग होती है, तो बार्गेनिंग के केस में वो क्या कहेगा कि आप दोनों लोग आ जाए आपस में बात कर लें कि जो ये एक्यूज क्या कह रहा है कि ये प्लीड गिल्टी कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई हम इतना कंपनसेशन दे पाएंगे और इतने साल की मुझे सजा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे हमेशा कम ही होगी, कितनी कम होगी ये भी अभी आगे दिया हुआ है, ठीक है, उससे वो ऑब्वियसली जब प्लीड गिल्टी कर रहा हो तो जितनी पनिशमेंट उसमें दी हुई है अगर उतनी मिलनी है फिर तो ट्रायल चलने दो, फिर क्या बात की प्लीड गिल्टी है कि नहीं, उससे कम ही होगी, कितनी कम होगी ये भी उसमें दिया हुआ है अभी आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किस चीज के लिए कॉल किया जा रहा है कि भैया म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, आपस में दोनों लोग मिलकर सेटिस्फाई कर लो, ठीक है। अगर अगर ये तब है अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि एप्लीकेशन वॉलेंटरी है, अगर इनवॉलेंटरी कोर्ट को लगा कि नहीं ये वॉलेंटरी नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, तो प्ली बार्गेनिंग को कैंसिल करके और जो नॉर्मल ट्रायल है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक, प्ली बार्गेनिंग वाले यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, नॉर्मल ट्रायल चलेगा। रुकिए चलिए, समझ में आया एप्लीकेशन 265 बी। अगला देखिए 265 सी में क्या है यार, लिखा 265 सी में गाइडलाइंस कोर्ट को दी गई हैं, 265 सी गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस, कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस में कोर्ट किस चीज का ध्यान रखेगी। सबसे पहला, अगर कोर्ट जो है, अगर कंप्लेंट केस है, नहीं पुलिस रिपोर्ट केस है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू केस आया है, तो उसमें कौन कौन जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की जो बातचीत होगी उस समय मीटिंग में कौन कौन लोग रहेगा, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले तो एक्यूज तो रहेगा ही रहेगा है, और विक्टिम भी रहेगा ही रहेगा, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहेगा क्योंकि भैया पुलिस रिपोर्ट वाला केस है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा, इतने लोग को होना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन रहेगा, पुलिस रिपोर्ट है, ये भाई साहब ये बता रहे हैं बी में, हम लोग क्या समझे कि अगर कोर्ट को लगा कि वॉलेंट्री है, सब कुछ ठीक है, एक्यूज नहीं अप्लाई किया है, वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भेज दिया दोनों, मतलब जो पार्टी थी उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया कोई एक डेट पे आप लोग आ जाए और म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन ऑफ द केस हो जाए, ठीक है, आपस में सेटिस्फाई कर लो दोनों लोग मिलके कि भैया कैसे क्या हो सकता है कि नहीं। अब उसी चीज को लेके 265 सी में गाइडलाइंस दी हुई हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है कि म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन ऑफ द केस में किस किस लोग को बुलाया जाएगा या कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए। तो भैया अगर पुलिस रिपोर्ट केस है तो एक्यूज्ड, विक्टिम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इतने लोग रहेंगे। कंप्लेंट केस है, अगर कंप्लेंट केस है तो केवल एक्यूज्ड और
विक्टिम, इन्हीं दोनों की जरूरत होगी। ठीक है, कंप्लेंट केस में और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, 265 सी हो गया ना, 265 डी क्या बोलता है, डी ये बोलता है कि अगर भैया रिपोर्ट तैयार हो जाती है, ठीक, अगर सब कुछ सही रहता है, आपस में पार्टी एग्री हो जाती है और रिपोर्ट तैयार हो जाती है, तो वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को भेज दी जाएगी। और क्या, कोर्ट को भेज दी जाएगी, है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कोर्ट जो रिपोर्ट जो आएगी ना, उसी बेसिस पे 265 ई में डिस्पोजल ऑफ द केस करेगी। अब देखते हैं कैसे डिस्पोजल ऑफ द केस में कोर्ट क्या करेगा। अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट को लेके कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर दिया करें। ठीक है, मान लो कोई भी दिक्कत होती हो मेरे पढ़ाने के तरीके में या कुछ और, कुछ भी लाइटिंग को लेके या साउंड को लेके कुछ भी, 265 डी, डी तो हो ही गया, ई है। डी में क्या हुआ था, रिपोर्ट पहुंची थी कोर्ट के पास, और क्या हुआ था। ठीक है, 265 डी में क्या है, 265 डी में डिस्पोजल ऑफ द केस, कैसे कोर्ट डिस्पोजल ऑफ द केस करेगी। देखो, अब सब कुछ सही रहा, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द केस हो गया, रिपोर्ट तैयार हो गई, कोर्ट के पास आ गई, अब कोर्ट कैसे डिस्पोज करेगी। कोर्ट डिस्पोज करते समय ये काम कर सकती है। ठीक है, कंपनसेशन देगी, कंपनसेशन टू द विक्टिम, विक्टिम एज एग्रीड इन डिस्पोजिशन ऑफ द केस। ठीक है, सबसे पहले कंपनसेशन देगी, अगर दे मतलब दे सकती है, अगर आपस में दोनों में एग्री हुआ है। दूसरी बात कि अगर 360 के अंडर सेक्शन 360 प्रोबेशन और एडोमिनेशन, प्रोबेशन एंड एडोमिनेशन, डिटेल में तो हम लोग 360 में ही से पढ़ेंगे, अभी सुन लीजिए ये होता है। प्रोबेशन एडोमिनेशन क्या होता है, कोर्ट मान लो कोई भी गिल्टी प्रूव हो जाता है, उसके बाद भी कोर्ट जो है उसे रिलीज कर सकती है। ठीक है, उसे छोड़ सकती है, बस कुछ जो है कुछ उससे कुछ कंडीशन साइन करा के। कैसी कंडीशन, कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया दोबारा, या तुमने कुछ भी ऐसा किया तो तुम्हें फिर से अरेस्ट करके और पनिशमेंट दे दी जाएगी, या कभी भी आपको कॉल करके और आपको पनिशमेंट के लिए जेल में भेजा जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी टाइम पे आगे जैसा होगा उसी हिसाब से आपको दोबारा पनिशमेंट के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक, ये होता है प्रोबेशन एंड एडोमिनेशन। मतलब कहने का मतलब है कि आपको केवल वार्निंग देके छोड़ देना, अभी आप इतना समझिए। ठीक है, कि वार्निंग देके छोड़ देना 360 में, अगर इसमें आ गया तो ठीक है, एक प्रोबेशन एक्ट भी है, ठीक है, उसमें फॉल हो गया तो भी ठीक है, प्रोबेशन एक्ट। ठीक, दूसरी बात आगे समझते, सबसे पहले क्या करेगा कोर्ट, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द केस ऑन प्ली बार्गेनिंग, कोर्ट सबसे पहले क्या कर सकता है, कंपनसेशन अवार्ड करेगा, किसको, विक्टिम को, जैसा इन लोगों में एग्रीड हुआ है। ठीक, दूसरा क्या कर सकता है कि कोर्ट प्रोबेशन और प्रोबेशन एंड एडोमिनेशन में एक्यूज को रिलीज भी कर सकता है। ठीक, एक्यूज को रिलीज कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या कर सकता है, अगर पनिशमेंट है, अगर पनिशमेंट दी जानी है तो जिस केस में जहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट दी हुई है, इन केस ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, कैसे मैक्सिमम पनिशमेंट, अरे सुन लो, मैक्सिमम पनिशमेंट अगर प्रोवाइडेड है किसी भी ऑफेंस में, अगर मैक्सिमम पनिशमेंट दी हुई है तो उसमें 1/4 से ज्यादा नहीं उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक, और अगर किसी में मिनिमम है, मिनिमम है, ठीक है, उस केस में 1/2। ठीक है, जैसे मान लो किसी ऑफेंस है उसमें लिखा, मान लो थेफ्ट है, थेफ्ट केस में लिखा हुआ है पनिशमेंट एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई मैक्सिमम। ठीक है, और अगर लिखा हो नॉट लेस देन 7 years तो ये क्या हो गई, मिनिमम, है कि नहीं।
ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑफेंस होता है उसमें लिखा होता है कि पनिशमेंट में एक्सटेंड टू, तो थ्री इयर्स एक्सटेंड टू में क्या हो गया मतलब मैक्सिमम, और नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन का मतलब मिनिमम ये होगी। तो अगर मिनिमम वाली पनिशमेंट दी हुई है तो उसकी वन हाफ, मैक्सिमम दी हुई है तो वन फोर्थ, इतने ही कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है। ठीक, आई समझ में? और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए सेक्शन 265 एफ में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जजमेंट पास हो जाएगा इन ओपन कोर्ट, है कि नहीं? ओपन कोर्ट। 265 जी में क्या दिया हुआ है? 265 जी में दिया हुआ है कि इस जजमेंट का नो अपील, कोई अपील नहीं जाएगी। ठीक, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ, या तो एसएलपी के थ्रू जाए, ठीक है, या चेक कर लें यार, वरना तुम लोग गलत गलत कुछ पढ़ा दिया बाद में तुम कहो विशाल भाई क्या किया ये तुमने। या तो एसएलपी के थ्रू जाएगी, ठीक है, आर्टिकल 136, या रिट टू हाई कोर्ट, ठीक, आर्टिकल 266 या 267 है, इसी के थ्रू। जनरल रूल ये है प्ली बार्गेनिंग, अरे यार जब कंसर्न से जब जजमेंट पास हुआ है तो उसमें क्या हो सकता है, तो फिर उसमें अपील थोड़े जाएगी, नो अपील। ठीक, एक्सेप्ट एसएलपी, अगर स्पेशल पेटिशन डालना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आप 136 के थ्रू जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और हाई कोर्ट जाना चाहते हैं 266 और 267 के थ्रू जाए, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन किससे रिलेटेड? सिर्फ सेल किसी रिलेटेड नहीं, वो तुम्हें वहीं पर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों आए हो यहाँ पर, पनिशमेंट ज्यादा दे दी उसी में पहुंच सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एच में दिया हुआ है पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, कोई काम का नहीं है। ठीक है, पावर वही है जो पूरी पूरे कोर्ट में दी हुई है, और क्या। और पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 265 आई, सेक्शन 265 आई। अब इसमें क्या बोलता है, सेट ऑफ की बात करता है, किस चीज का? मान लो जब तक ट्रायल चल रहा था, जब तक ये सब प्रोसीजर हो रहा था, तब तक मैंने 3 महीने कोर्ट जेल में काट दिए, ठीक है, पहले से ही मुझे पनिशमेंट हुई है 12 महीने की, तो ये 3 महीने मेरे अपने आप कम हो जाएंगे, रह जाएगा 9 महीने, सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? इतना तो पता ही है यार। 265 आई में क्या दिया हुआ, सेट ऑफ ऑफ पनिशमेंट जो पहले से उसने काट दी कोर्ट में। ठीक, 265 जे में सेविंग है, सेविंग कोई काम का नहीं है। 265 के स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज, ठीक, अब ये बोलता है कि अगर प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाया, ठीक है, स्टार्टिंग तो चला प्ली बार्गेनिंग में, अगर वो नहीं हो पाया, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या होगा, तो जो आपस में जो स्टेटमेंट इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, जो आपस में दोनों लोगों ने बोला है, वो कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, भीड़ मारिए पहले। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट स्टेटेड बाय एन अक्यूज्ड इन एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 265 बी शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, ये नहीं कि मान लो प्ली बार्गेनिंग नहीं हो पाया, दोबारा ट्रायल चालू हुआ, जब ट्रायल चालू हुआ तो वहां पर जो है वो बोल दे कि माय लॉर्ड प्ली बार्गेनिंग टाइम पे इसने पहले से ही मान लिया था, है कि नहीं, इसने पहले ही मान लिया था, वो नहीं चलेगा। और 265 एल में दिया हुआ नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर कि भैया ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 में जो ऑफेंसेस होंगे उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक, और तो कुछ इसमें है नहीं, और तो छूटा भी नहीं, सब तो है। और रीड मारिएगा, कुछ कहीं कमी हमें मालूम दे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, बस एक दो बार एक ये सेक्शन बिल्कुल सही से रीड मार लीजिएगा, रीड मारने के बाद जो मैंने पढ़ाया उसको चेक करिएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला क्या है,
चैप्टर 22 हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 23 में क्या है, चैप्टर 23 में सिर्फ और सिर्फ ये जो है डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 272 में जैसे लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है तो पूछा जाएगा कि सीआरपीसी में लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कहाँ दिया हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 272 में है। लेकिन किसकी भाई साहब, बाकी सब कोर्ट की, हाई कोर्ट की कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसकी लैंग्वेज कहाँ है, 348, ठीक है, आर्टिकल 348 है कि नहीं। और उसके अलावा 273 याद रखिएगा, चलिए इसको बाद में पढ़ा देंगे यार, 273 तो पढ़ाना ही पड़ेगा है? अगले लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले इनमें जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होंगे उसको देख लेंगे, ठीक है, पढ़ाने पड़ेंगे दो तीन सेक्शन यार इसमें। कैसे 273 पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद 280 पढ़ाना पड़ेगा, 282 भी आजकल पूछा जा रहा है खूब, उसके अलावा टू नाइन्टी सेवन, टू नाइन्टी एट, टू नाइन्टी नाइन, ठीक है, इतना पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 300 डबल जो पार्टी, ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू।